आइए बेटे स्टार्ट करें। हमने आपको बच्चों याद होगा कुछ क्वेश्चंस केस स्टडी के डिस्कस की थी लास्ट टाइम, स्पेशली इन रिलेशन टू अवर इलेक्ट्रिसिटी। आपने करंट के रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन के इसके बेसिस पे आपने बेटे केस स्टडी के क्वेश्चंस किए, कुछ और भी आपने क्वेश्चंस किए। अब आइए बेटे मैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का आज आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट आपने लेटेस्टली किया था, इसके साथ रिलेटेड कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस आपके जो सीबीएसई सैंपल पेपर्स के हैं इनकी बात करने जा रहा हूं मैं बेटे स्टार्ट। आइए बेटे देखें स्टार्ट करें। आपको लेट अस इमेजिन दैट वन केस स्टडी क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, मैं एक बार स्टेटमेंट पूरा पढ़ता हूँ फिर आप बेटे अकॉर्डिंगली देखिएगा कि हमने कैसे इनका जवाब देना है। स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। एंडी मैरी एम्पियर सुजेस्टेड दैट ए मैग्नेट मस्ट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ए करंट कैरियिंग कंडक्टर। करंट कैरियिंग कंडक्टर है, मैग्नेट को आप उसके नजदीक लेके जाओगे तो उनके ऊपर मैग्नेट जो है कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। This is what it is being said. Again, N.D. Mary Ampere suggested that a magnet must exert an equal and opposite force on a current carrying conductor, which was experimentally found to be true. Later on, experiment करके ये बात सही पाई गई थी कि ऐसा होता है. But we know that the current is due to the charges in motion. आपको पता ही है करंट आई बेटे जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो होता है। Then, thus it is clear that a charge moving in a magnetic field experience a force except when it is moving in a direction parallel to the field. जब भी आपका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ना मूव करके किसी भी एंगल पे मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, लेकिन जब वो पैरेलल होगा तब फोर्स नहीं लगेगी। दिस इज बीइंग सेड। देन इफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है अगर मोशन की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स experience depends upon the charge, velocity, strength of the magnetic field and sign of angle between V and B. आप जानते हैं अगर ये magnetic field है किसी region में आपने apply कर रखा और आपका charge इसके perpendicularly move कर रहा है, charge आपका Q है, velocity V है, ये angle 90 degree का है theta, तो उन्होंने कहा है कि जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी दैट इज बेटे डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी, दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन बी, दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज, दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन दीज ऑल। आपको याद होगा हमने इसको कंबाइन करके एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा भी लिखा था। यू माइट बी रिमेंबरिंग दिस। अब डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप पढ़ चुके हो, वी होल्ड अवर लेफ्ट हैंड इन सच ए मैनर दैट द फर्स्ट फिंगर इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द थंब इट गिव्स अस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज और द कंडक्टर। अब आइए वो क्या कहना चाहते हैं आइए देखें। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं सारा। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईस्ट towards east
A magnetic field is vertically downwards. A magnetic field is vertically downwards. Downwards. The force on the electron is along the force on the electron is along pehla option hai east west north south east west north and south ye bachcho aapko options di hui hai so dear children zara lagaiyega kis hisab se aap इसकी डायरेक्शन इंडिकेट करती है अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सब कुछ आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट में इधर उन्होंने समझा भी दिया है बच्चों को कि अगर किसी को नहीं पता होता तो दैट पर्सन दैट स्टूडेंट दैट चाइल्ड कैन यूज दिस डेटा और अकॉर्डिंगली आप इसका जवाब दे पाए भूमिका हरलीन हरसिमरन कनिष्का कार्तिक केशव कीर्ति माधव हाँ जी डियर चिल्ड्रन अप्लाई द रूल एंड टेल द डायरेक्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ यू ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से कौन सा ऑप्शन बनेगा याशित वर्मा यस डियर चिल्ड्रन साउथ गुड वेरी नाइस बाकी स्टूडेंट्स भी अप्लाई करिए रूल इज इट साउथ क्रॉस चेक करिए वेरी नाइस चलिए मैं भी लगाता हूं आप भी लगाइए अपना रूल इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईस्ट लेट मी ड्रॉ द डायरेक्शन चार्ट बेटा ये डायरेक्शन चार्ट है एंड अगर हम डायरेक्शन सारी मार्क कर लें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये ओरिजिन मान लेते हैं इसको आप ऐसे हॉरिजॉन्टल ठीक है बेटे ठीक है इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग अलोंग द ईस्ट इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है इट विल मीन दैट कि करंट आपका इस तरफ होगा वेस्ट की तरफ होगा बिकॉज जो आपके कन्वेंशनल चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट मूव किया करते हैं सो दिस इज माई लेफ्ट हैंड फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड फील्ड देखिए फील्ड सॉरी हमने डाउनवर्ड कहा हुआ है सेंट्रल फिंगर फॉर द करंट एंड द thumb it will give us the direction of the magnetic force experienced by the charge or the conductor so ye finger mein current dena hai central finger mein ye maine aise kar liya jis direction mein current humne mark kar rakha hai you can see jidhar current hai udhar hi ye yes dekhiye ye mera central finger hai ye current ki direction mein aap dekh pa rahe honge ab aapko kaha gaya hai magnetic field downward hai इसको मैं ऐसे कर देता हूं फिर से देखिएगा ये बच्चे लेट आ रहे हैं बीच में ये यू कैन सी ये वाला फिंगर करंट की डायरेक्शन में ये वाला फिंगर डाउनवर्ड और ये आपका साउथ की डायरेक्शन में आ जाता है सो इन दिस वे यू आर टू अप्लाई द रूल और इट विल बी डेफिनेटली बेटा साउथ डायरेक्शन सारे स्टूडेंट्स एक बार खुद भी रूल अप्लाई करके देखना है ऐसे बैठना नहीं किसी ने भी अपनी कॉपी पर ड्रॉ करिए आपकी कॉपी का प्लेन हॉरिजॉन्टल होगा वहां पे ये प्लेन वर्टिकल है बोर्ड का अप्लाई करके देखिए ऑल ऑफ यू कैन टेल ऑल ऑफ यू आर गेटिंग साउथ और नॉर्थ अखिलेश अंकिता बलजिंदर भूमिका हरलीन हरसिमरन बच्चों बताया करो पुत्र फिर ऐसे नहीं बात बनती राघव दोनों राघव प्रभप्रीत विरदी पलक ओके ठीक है चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं लिखता हूं देखें कैसे हमने बेटा रूल अप्लाई करना है लेट अस कंसंट्रेट क्वेश्चन नंबर टू है If a charged particle is moving along a magnetic field line, if a charged particle is moving
along a magnetic field line, the magnetic force on the particle is, the particle is पहला है along the velocity जिस direction में velocity है opposite to the velocity उसकी opposite हो गया perpendicular to the velocity थर्ड केस के बाद फोर्थ है जीरो यस वेरी डियर चिल्ड्रन राघव ओके गुड बाकी स्टूडेंट्स भी देखो थम्स अप फॉर यू बाकी बच्चे बेटा मैग्नेटिक लाइन फोर्स के अलोंग आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल भूमिका दक्ष हरलीन हरसिमरन कनिष्का डियर चिल्ड्रन जब आपका चार्ज पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तो पुत्र थीटा जीरो हो जाएगा और अगर थीटा जीरो है साइन जीरो विल बी जीरो नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल क्लियर टू ऑल चलिए आगे फिर देन बेटे इसके बाद थर्ड है क्वेश्चन हमारा बेटा इसी केस स्टडी के क्वेश्चन के अंडर है ये भी आपको कहा गया है ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स थर्ड क्वेश्चन है ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन फर्स्ट पार्ट है ए स्टेशनरी चार्ज स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज सेकंड है ए मैग्नेट थर्ड है एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन एन अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार एंड अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार डियर चिल्ड्रन देखिए ध्यान से रिपीट कर देता हूं मैग्नेटिक फील्ड इन ऑप्शंस में से किसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा यस बेटा अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार है इलेक्ट्रिक चार्ज है मैग्नेट है यस विदी डियर ऑल देखिए स्टेशनरी चार्ज पे तो करेगा नहीं बिकॉज उस केस में बी जीरो आ जाएगा मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटे जो है ऑलरेडी ये मैग्नेट की वजह से होता है और मैग्नेट जो है अगर इसकी बात करें तो मैग्नेट मैग्नेट को रिपेल या अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन करंट के इक्विवेलेंट होता है यहाँ पे भी कर सकता है
एन अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार की बात करें, आयरन बार तो आपका बेटे एक तरीके से बेटे फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन सब्सटेंस है, तो इस केस में उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा वो एग्जर्ट करेगा। यहाँ पे तो रिपल्शन हो सकती है, अट्रैक्शन हो सकती है, और यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे, ये नहीं बन पाएगा। इस केस में इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे, तो वो भी बात नहीं बनती। इस केस में आपका आयरन जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होने की वजह से इसको आपका ये मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट कर लेगा। इस केस में इस पे मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा, हम बेटे इस आंसर को जो है चूज कर सकते हैं। आइए आगे चलें बेटे, देन फोर्थ पार्ट ऑफ द केस स्टडी टाइप क्वेश्चन क्या है, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट बेटा। आइए देखिए बेटा, एन इलेक्ट्रॉन बीम, एन लिख देता हूं बेटे मैं, एन इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड, एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट, एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन द फिगर। फिगर में बना देता हूं, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग, फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम, ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी, आपको बेटे ये दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन बी लिख देता हूं मैं, और इलेक्ट्रॉन बीम इधर है। आपको कहा गया है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम आपको बताना है। ए ऑप्शन है टू द लेफ्ट, बी ऑप्शन है टू द राइट, सी ऑप्शन है टू द पेज, ये कुछ गलत लगता है, इनटू द पेज आना चाहिए था, आउट ऑफ द, इनटू लिखी लो बेटे आप, मिसप्रिंट लगता है, आउट ऑफ द पेज। डियर चिल्ड्रन अप्लाई द रूल एंड टेल व्हाट इट इज देयर, इलेक्ट्रॉन बीम इस तरीके से जा रहा है, असल डी ऑप्शन आउट ऑफ द पेज। आइए अप्लाई करते हैं, एक्चुअली ये इस प्लेन में है, ये बोर्ड आपको वर्टिकल लग रहा है, आप अपनी नोटबुक पे बनाएंगे ना जब, तो ये टुवर्ड्स द रीडर होगा, जब आप अपनी नोटबुक पे बनाते हो ऐसे फील्ड बन गया ऐसे, तो ये दिस इज टुवर्ड्स द रीडर। इलेक्ट्रॉन बीम के अपोजिट आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, प्लैनिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड, सेंट्रल फिंगर फॉर द करंट, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रॉन बीम इधर है तो करंट आपका इस तरफ हो गया उल्टा, तो इट विल बी इनटू परपेंडिकुलर एंड इनटू द पेज आ रहा है बेटे, चेक करिए जरा, सारे बच्चे पुत्र चेक करिए, यस यस यस, इट इज इनटू द पेज, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी पुत्र चेक करके देखो, यस गुड गुड गुड, फिर भी देख लीजिए किसी बच्चे को कोई बात नहीं पता चली, अपनी कॉपी पे बनाएंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा बेटे। बोर्ड मेरा जो है ये बेटे वर्टिकल प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, अगर आप अपनी नोटबुक पे बनाओगे फिर करोगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताइए बेटे हो गया सबका, यस डियर ऑल, एक जोत कौर, जय आदित्य, सक्षम, कनिष्का,
वृंदा एक ज्योत, पारुल, तनुष्का, विनीत रूप, तृप्ति, ओके चलिए आगे चले। देन एक और बात करें केस स्टडी टाइप क्वेश्चन की बेटा, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट। इसके बाद बेटे यस कुछ बेटे आइए कंसंट्रेट करते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन है फिर से ये भी आपका, लेट अस फोकस अपॉन दिस। आपको दिया गया है एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन ए सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड ट्यूब सच दैट इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन द डायमीटर इज कॉल्ड सोलिनोइड। आपको पता ही है इसको सोलिनोइड कह देते हैं आप। जिसमें दिस इज कॉल्ड सोलिनोइड, करंट आप दे देते हैं इसको। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सोलिनोइड इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब सोलिनोइड में से करंट पास करवाएं तो सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके अराउंड यहाँ पे होता है, बट हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। बड़ा थोड़ा होता है, छोटा होता है बेटा, कम होता है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई द करंट कैरिंग सोलिनोइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई द बार मैग्नेट, आप जानते हैं ये बात। और द फील्ड लाइन्स इन साइड द सोलिनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स, ये भी आप बात जानते हो। और द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन साइड द करंट कैरिंग सोलिनोइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल लाइक सॉफ्ट आयरन वेन प्लेस्ड इन साइड द सोलिनोइड। वो कहना चाहते हैं कि अगर आप इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का ये पीस रख दो, आयरन का, तो आप इसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ये भी बात आपको पता है। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई द करंट कैरिंग सोलिनोइड is directly proportional to number of turns and the strength of the current in the solenoid. वो कहते हैं कि इसके अंदर जो field produce हुआ पड़ा है वो directly number of turns per unit length पे depend करता है, वो directly depend करता है कि कितना current pass करवा रहे हो आप। आपने कर रखा है, इसमें कोई बात नहीं है। अगर इसका length आप L मान लेते हैं, small n number of turns per unit length है, तो capital N आपका total number of turns है। अगर कैपिटल एन आपके पास स्मॉल एन इंटू एल आ जाएगा, स्मॉल एन विल बी कैपिटल एन बाई एल। इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन आप किया करते थे, आपके पास बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आपने बड़े अच्छे से ही एक्सप्रेशन कर रखा है, यहाँ बी दिस इज म्यू नॉट कैपिटल एन ओवर एल इंटू आई, ये एक ही बात है। ये टर्न्स पर यूनिट लेंथ मैंने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया है, एक ही बात, एक ही चीज। अब वो कहना क्या चाहते हैं आइए देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलिनोइड इज नंबर वन मोर एट द एंड्स, नंबर टू मिनिमम इन द मिडल, यहां पे वो कह रहे हैं मिनिमम होगी, नंबर थ्री सेम एट ऑल द पॉइंट्स, इसके अंदर हर एक पॉइंट पे सेम है, नंबर फोर found to increase from one end to another, इधर से उधर को बढ़ रही है या इधर से उधर को बढ़ रही है, तो which one of these may be correct बेटा? Strength more at the ends and less in the center है या minimum in the middle है या same at all the points है या found to increase from one end to another end, ये वाला है बेटे, बताइए ब्रदर ऑल ऑफ यू। माधव, कीर्ति, केशव, कनिष्का, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इसके एंड एंड्स पे ज्यादा है, पहली ऑप्शन है, मिडल में कम है, दूसरी ऑप्शन है,
तीसरी ऑप्शन हर एक पॉइंट पे सेम है, चौथी ऑप्शन यहां से लेकर इधर को बढ़ रही है या इधर से लेकर इधर को बढ़ रही है। यस बेटा, विच वन इज करेक्ट? नाइस, वेरी नाइस, इट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। बेटे जब ये आपकी लाइंस पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट लग गई हैं, इसका मतलब है यूनिफॉर्म या शिफ्ट। बिल्कुल ठीक बेटे राघव, बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस, ओके। चलिए आगे, फॉर ए करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर क्रिएटेड एट द टू एंड्स। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, उन्होंने कहा है कि जब आप करंट पास करवा देते हो, डेफिनेटली एक इसका एंड नॉर्थ बनेगा, एक साउथ बनेगा। उन्होंने कहा है कि इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट कौन सा है। और मैं उससे पहले आपको थोड़ा और बता दूं, अगर आपका करंट बेटे किसी एंड पर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो आपका नॉर्थ पोल बना करता है, अगर किसी एंड पर करंट आपका क्लॉकवाइज हो जाया करता है दैट बिकम साउथ पोल, ही आपको पता होना चाहिए। सोलिनॉइड की जिस भी एंड पर अगर करंट क्लॉकवाइज है वो साउथ बनेगा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है वो नॉर्थ बनेगा। ये बात आप इस मेमोरी एड है ये, इसकी हेल्प के साथ इसको रिटेन कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। पहला है द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सोलिनॉइड। ये तो बात भाई ठीक है, उसके अंदर फील्ड हर एक जगह पर सेम होता है, बराबर होता है, पैरेलल लाइंस इंडिकेट कर देती हैं। ये स्टेटमेंट मुझे ठीक लग रहा है, आप भी सोचिएगा साथ साथ। बी, स्ट्रॉन्ग द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर आप सॉफ्ट आयरन रखोगे तो वो मैग्नेटाइज होगा, ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी बात आइए देखें, तीसरी बात क्या कहना चाहते हैं वो, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सोलिनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। फिर से सुनिएगा, पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द सोलिनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। मुझे ये गलत लग रहा है, बिकॉज आपका बार मैग्नेट एग्जैक्टली सोलिनॉइड की तरह बिहेव करता है, ये दोनों सिमिलर ही होते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंगली सी ऑप्शन ठीक नहीं है। चौथा भी देखें क्या है, द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एक्सचेंज पोजिशंस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द सोलिनॉइड इज रिवर्स। बिल्कुल ठीक, अगर ये पहले नॉर्थ है जब ये करंट फ्लो कर रहा है, करंट उल्टा कर दोगे तो इसने साउथ बनना ही बनना है, ये भी आपका करेक्ट है। इट मींस कि सी आपका जो ऑप्शन है दैट इज नॉट करेक्ट। इफ यू बेटे हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम प्रॉपरली बता दीजिए, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। याशित, राघव, दोनों, भूमिका, कीर्ति, माधव, हरसिमरन, हरलीन, ओके राइट। तीसरा क्वेश्चन क्या है ये देखें, इसी केस स्टडी पे बेस्ड है। ए लॉन्ग सोलिनॉइड, बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, हाँ जी ठीक है कनिष्का, ए लॉन्ग सोलिनॉइड कैरियंग ए करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। ए लॉन्ग सोलिनॉइड कैरियंग ए करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस, मतलब क्या है इसका, ये आपके पास सोलिनॉइड है, करंट कैरी कर रहा है, इस लाइन को एक्सिस बोलते हैं जो ऐसे पास करती है, फील्ड बन गया, ठीक हो गई बात ये। इफ द करंट इज डबल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ्ड देन द न्यू वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट। फिर से ध्यान दीजिएगा, करंट डबल किया, नंबर ऑफ टर्न्स हाफ कर दिए, रिपीट करता हूं ध्यान दीजिएगा, इफ द करंट इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज मेड वन हाफ देन द न्यू वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, या बी जितना पहले था या डबल हो गया, फोर टाइम्स हो गया,
यह हाफ हो गया, करंट डबल किया मतलब आई डैश इट इज टू टाइम्स आई, एन डैश इज एन बाई टू, क्या होगा? यस बेटा, हाँ जी पुत्र बताया करो भाई, पुत्र जी टू बी यशित, टर्न्स हाफ भी तो हो रही है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हाफ भी तो की है यशित, व्हाट डू यू से? हाँ जी यस इट शुड बी देयर। राघव राघव दोनों राघव ये बेटे राघव बेटे आई डबल हो गया तो ये हाफ भी तो हुआ है। हाँ जी ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ए सॉफ्ट आयरन बार इज एनक्लोज्ड बाय ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर एज शोन, व्हेन द प्लग ऑफ द की इज क्लोज्ड द फेस बी ऑफ द आयरन, ये बेटे उन्होंने यही लिखा है कि जब आपने इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन की ये कोर डाली हुई है, करंट ऐसे जा रहा है, मैं डायग्राम उस हिसाब से मैंने बनाया नहीं है, ये करंट उन्होंने यहाँ पे बेटे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाया हुआ है, क्लॉकवाइज इस एंड पे, अगर ये एंड पे करंट क्लॉकवाइज हो तो ये पोल कौन सा होगा? इट मस्ट बी साउथ पोल, ये बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। फिर से पुत्र ध्यान दो, किसी भी एंड पर अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है सोलिनॉइड के एंड पर तो वो एंड आपका नॉर्थ बनेगा, अगर किसी एंड पर आपका करंट बेटे क्लॉकवाइज है तो वो आपका साउथ बनेगा। दिस इज द सॉर्ट ऑफ मेमोरी है, इसका ध्यान रखिएगा बेटा। सो डियर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे, थैंक यू ऑल।